सब्सक्राइब करिए मेरे देश में इंसान चैनल को और बगल में घंटी का निशान भी दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुगंडा प्रसाद यादव। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मेरा देश मेरी। तो आज का वीडियो है कुछ अलग की, क्योंकि मैं आज आप लोगों को ले जाने वाला हूँ देहरादून के एक मशहूर ढाबे पे, जिसका नाम है उस ढाबा। ये सरदार जी का ढाबा है। तो यहाँ कम प्राइस में बहुत ही बेस्ट खाना मिलता है। हालांकि मैं कई बार होकर वहाँ आ चुका हूँ, तो मैंने सोचा इस बार मैं आप लोगों को भी घुमा दूँ। तो मेरे कई सब्सक्राइबर्स होंगे, उनको पता होगा इस ढाबे के बारे में, और जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, ये रेलवे स्टेशन के पास है और ये प्रिंस चौक पे। आप पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछेंगे तो बता देंगे कि ये कोर्ट के सामने ही है उस ढाबा। ये बहुत ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। तो बिना टाइम गवाए हुए मैं ले कर चलता हूँ आपको उस ढाबा पर। तो चलते हैं, फिर खाने का मज़ा फिर वहीं लेते हैं। मुझमें जो दिखती है मेरे देश की पहचान है, यही है मेरा देश, यही मेरी शान है। ये है, जैसे ये देख रहे हैं आप, सरदार जी का ढाबा। बहुत ही अच्छी प्लेस है। आप अगर आप एक बार यहाँ पे आ गए तो आप यहीं के होके रह जाओगे। तो चलिए देखते हैं वहाँ यहाँ का खाना। और आपको 50 रुपये, 60 रुपये और अलग अलग रेट हैं यहाँ के, और बहुत ही कम दाम में और बहुत ही अच्छा खाना मिलता है आपको। तो आज चलते हैं अंदर, देखते हैं। तो ये देखिए ढाबे का नाम उसदा ढाबा, और ये है हमारे सरदार जी। बहुत ही अच्छा खाना बनता है। और यहाँ देखिए पूरी एकदम भीड़ लगी हुई है, जो जो यहाँ आता है तो यहीं का होके रह जाता है। बहुत ही अच्छा खाना बनता है यहाँ पे। तो हम टेस्ट करेंगे यहाँ का खाना। देखिए भैया क्या क्या रेट है, रेट क्या? 70 है, 50 है, 100 है। अच्छा, 50। अच्छा, 50 वाले में क्या क्या मिलेगा सर? अच्छा अच्छा, ये देखिए मेंशन करा हुआ है इन्होंने। और हम जब भी आते हैं हम यहीं पे आते हैं, और यहाँ ज़रूर होके आते हैं जब भी आते हैं। और ये देखिए, तो हम खाते हैं यहाँ खाना। तो जैसा आप ढाबे का नाम देख सकते हैं उस ढाबा, और ये देखिए, तो ये है यहाँ की रेट लिस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, और बहुत ही टेस्टी खाना बनता है यहाँ पे। ये भैया है हमारे जो हमेशा यहाँ पे आते हैं। तो मतलब रोज़ आते हैं आप यहाँ पे? रोज नहीं आता, लेकिन हफ्ते में एक बार आएगा। अच्छा, हफ्ते में एक बार आते हैं आप। और यहाँ का खाना कैसा लगता है आपको? खाना बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है ना। हम भी आते हैं, हम मसूरी से आते हैं यहाँ पे, मगर कभी कभी आते हैं, महीने में एक आध बार आते हैं, मगर यहाँ होके जाते हैं। तो जैसे कि हमारी थाली आ गई है, आप देख सकते हैं इसमें खीर है, चपाती है, इसमें बटर है, और इसमें करी है, छोले हैं, एंड इसमें राजमा चावल है। तो देखिए भीड़ कितनी है, खाने वालों की लाइन लगी रहती है यहाँ पे। एक मिनट भी किसी को दिक्कत नहीं रहती है। तो रात का समय है, शायद वीडियो क्वालिटी अच्छी ना आए, मगर आप जब भी आइएगा देहरादून में तो यहाँ इस जगह पे जरूर आइए। आप यहाँ पे हमेशा आते हो? हाँ। अच्छा, यहाँ का खाना कैसा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है ना। आप यहाँ पे रहते हैं, पास में आसपास में रहते हैं? सुपर सुपर है, बहुत ही अच्छा खाना तो अच्छा है। अच्छा,
तो जो यहाँ खा चुका है वो हमेशा यहाँ पे आता है, वो अपना घर का खाना भी छोड़ के यहाँ पे आता है खाने के लिए। तो इसलिए मैं घर पहले मैंने घर पे खाना नहीं खाया, मैंने सोचा यहाँ पे जाके ही खाऊंगा खाना। तो यहाँ खाना क्योंकि बहुत अच्छा है। तो टेस्टी इतना है कि मैं तो अपनी उंगलियां भी चाटने लगा हूँ। ठीक है, हम चलते हैं, खाना बहुत बढ़िया लगा हमें सर का। तो सर ये प्लेस का नाम एक बार बता देंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको? ये अपना देहरादून में कोर्ट के सामने है। अच्छा, कोर्ट के सामने है, उस ढाबा ढाबे का नाम है, ऊपर वाले का ढाबा है। तो ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो और उन्हें लाइक और शेयर नहीं कराया तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।